दोस्तों, श्रवण कुमार के मातृ और पितृभक्ति की कहानी तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगा दिया था। वो अपने अंधे माता पिता की लाठी बन रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने माता पिता के भक्त थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि श्रवण कुमार के माता पिता किस पाप के कारण अंधे थे? कई कथाओं में श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे होने का कारण बताया गया है। एक कथा के अनुसार उनके अंधे होने का कारण त्रिजटा ऋषि का श्राप बताया गया है। ये श्राप उन्हें उनके पिछले जन्म में मिला था। बात उस समय की है जब त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के माता पिता के घर पहुंचे तो ऋषि के पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता उनके गंदे पैरों को घृणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। तब श्रवण कुमार के पिता ने अपने पुत्र और बहू को ऋषि त्रिजटा के पैर धोने का आदेश दिया। पिता का आदेश पाकर पुत्र और बहू ऋषि के पैर धोने लगे, लेकिन उन्होंने पैर धोते समय अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करते देख ऋषि क्रोधित हो गए। तब उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जो तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान उसके चरण धोते वक्त आंख बंद करके किया है, इस पाप के लिए अगले जन्म में तुम दोनों अंधे हो जाओगे। ये श्राप पाकर दोनों ऋषि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार तुम्हारा सहारा बनेगा। वह सच्चा माता पिता का सेवक और ऋषि मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। वही मित्रों, दूसरी पौराणिक कथा की माने तो त्रेता युग में ऋषि शांतनु थे और उनकी पत्नी ज्ञान थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे संतान ना होने का दुख मना रहे थे, एक दूसरे के सामने रो रहे थे। तभी वह नारद जी प्रकट हुए। ऋषि शांतनु ज्ञानवंती ने नारद मुनि को बहुत भव्य तरह से उनका स्वागत किया। उनकी सेवा से खुश होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती आयुष्वती पुत्रवती भव। आशीर्वाद पाते ही ज्ञानवंती ने पूछा कि क्या सच में मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इस पर नारद जी ने ज्ञानवंती से कहा कि ऋषि के कहे हुए वचन कभी खाली नहीं जाते। वो जो भी आशीर्वाद देते हैं वो अवश्य से पूरा होता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को वन में एक साल तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी के कहे अनुसार ऋषि और उनकी पत्नी वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहे थे। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। खुशी के आंसू आंखों में लिए ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मुझे पुत्रवान होने का वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी थोड़ा सा घबरा गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नापुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। तभी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और साथ में ये आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार के युगों युगों तक याद किया जाएगा और तुम्हारे पुत्र का नाम इतिहास में मातृभूमि और पितृभक्ति के लिए अमर रहेगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा ठीक वैसे ही हुआ। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता, अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते। श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र से अतुलनीय प्रेम करते थे। दोस्तों, श्रवण के माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे। घर का सारा काम, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, ये सारे काम श्रवण कुमार ही किया करते। माता पिता का काम करने में जरा भी नहीं थकते, बल्कि उन्हें आनंद मिलता। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए, मुझे इजाजत दें, मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगी नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।